हेलो टू फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज मैं बलेनो अल्फा वेरिएंट का फर्स्ट इंप्रेशन देने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अल्फा वेरिएंट में आप देख सकते हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट जो कि है, इसमें आपको LED फॉग लैंप मिल जाएंगी जो कि खाली टॉप एंड वेरिएंट में आता है। और अगर आप फ्रंट में ध्यान से देखेंगे इसमें फ्रंट कैमरा आपको मिल जाएगा और साइड में भी आपको इसमें कैमरा मिल जाएगा ORVM में, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आता है जो कि एक फर्स्ट इन चेकमेंट फीचर है। और अलॉय व्हील का डिज़ाइन आप इसका देख सकते हैं, ये वाले अलॉय खाली टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं। साइड में आप जीटा वेरिएंट देख सकते हैं, उसमें भी अलॉय आते हैं लेकिन उनका डिज़ाइन कुछ अलग रहने वाला है। तो टॉप एंड वेरिएंट का जो डिज़ाइन है अलॉय व्हील का, वो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर अगर इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो 195/55 R16 टायर प्रोफाइल आपको इसमें मिलेगी। तो अगर इस कार की बात करें तो पहले की तरह ही आपको मिलेगी, जिसमें लॉक अनलॉक के बटन आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको टॉप मॉडल में भी ये कीलेस एंट्री मिल जाएगी, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें आपको UV कट ग्लासेस मिल जाएंगे सारे पावर विंडोज़ में। और अगर इस कार के अंदर चले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पहले तो इसको एक बार मैं इग्निशन पर डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कितना अच्छा लेआउट है। मैं डोर को क्लोज कर देता हूँ। तो इसमें एक जो इन्होंने फीचर इंट्रोड्यूस किया है वो HUD है इसकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका HUD डिस्प्ले है जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे इसका 360 डिग्री व्यू ओपन हो चुका है, तो इस कार के 360 डिग्री व्यू है। और अगर मैं इस कार को रिवर्स में डालता हूँ तो आप इसका व्यू देख सकते हैं। एक इसकी जो गाइडलाइंस है वो आपको अडेप्टिव मिलने वाली है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है ये 360 डिग्री व्यू है। और इसका स्पेसिफाइड पीछे का व्यू है, इसको मैं रिवर्स हटा देता हूँ। इसका जो AC का लेआउट है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि आप टॉगल करके यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था, आप मेरी लास्ट वीडियो उसको देख सकते हैं, वो मैं I-Button में उनका लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक छोड़ दूंगा, जिसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको ऑटोडिम IRVM मिल जाएगा जो कि इनका प्रीमियम टच रहता है ये टॉप एंड वेरिएंट्स में। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा और को पैसेंजर साइड भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सब जगह आपको ग्रैब हैंडल से मिल जाएंगे। और राइट वाला जो ग्रैब हैंडल रहने वाला है वो आपको हुक के साथ मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें जो मारुति ने ऑफर करी है। और जिसका स्टीयरिंग व्हील का लेआउट आप देख सकते हैं कितना अच्छा लेआउट है इसका, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील के साथ आता है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है ये। और अगर इसके हम आर्म्स की बात करें तो एडजस्टेबल रहेगा। और स्टोरेज स्पेस की बात करें तो ये छोटा है, इसको थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। ट्विन कप होल्डर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इसमें अगर हम बात करें तो 9 इंच की यूनिट आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसमें आपको एलेक्सा वगैरह का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसमें एलेक्सा भी यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके आप इन सबको ब्राउज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम वगैरह सबकी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं सेट। और अगर इसके टच की बात करें तो इसकी टच एंड फिनिश जो है बहुत ही अच्छी है और इंस्टेंटली रिस्पॉन्स कर रही है, आपको लैगी फील नहीं होगा बिल्कुल भी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आप देख सकते हैं फ्यूल इकोनॉमी भी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इसको लेदर फिनिश देने की कोशिश करी गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये आपका हार्ड प्लास्टिक ऊपर वाला, तो ओवरऑल जिसका लुक आ रहा है वो प्रीमियम और रिच फील आ रहा है। पहले वाले बलेनो से कंपेयर करें तो ये आपको अच्छी लगेगी। और इस गाड़ी का वेट 55 kg तक बढ़ाया गया है, इसके बॉडी इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया गया है इसलिए। और दो थर्ड अगर आप देखेंगे इसकी तो वो आपको नॉर्मल ही लगेगी। यहाँ से आप इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके मैंने इसको अगर प्रेस करके रखा है तो ये लगभग 5 सेकेंड्स का टाइम लेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया है और इसको ऑन करना तो एक सिंगल क्लिक में काम कर जाएगा। व्यू अगर मैं इसमें दबाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको 360 डिग्री व्यू दे रहा है कार का, तो ये ट्रैफिक वाले सिचुएशंस में आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है। इस व्यू को मैं पर्सनली हेलीकॉप्टर व्यू बोलता हूँ, जैसे ड्रोन से आप ऊपर का व्यू देख सकते हैं चारों तरफ, तो वो चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, पर्सनल फेवरेट फीचर मेरा। अगर पीछे आए हम तो यहाँ पे आपको ट्विन AC वेंट्स मिल जाएंगे रियर पैसेंजर के लिए, इसको ट्विन वाली शेप दी गई है, वैसे ये है सिंगल ही,
सिंगल यूनिट है ये, बाकी यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सेमी ट्विन है, यहाँ पे आप इसके पोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, चार्जिंग पोर्ट्स। मैं यहाँ पे फ्लैश ऑन कर रहा हूँ ताकि आपको पोर्ट्स विजिबल हो। टाइप ए चार्जिंग पॉइंट रहने वाले हैं ये, और सेकंड वाला आपको टाइप सी मिलेगा। तो मारुति ने भी अडाप्ट करना स्टार्ट कर दिया टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको यहाँ पे रियर आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, और इसकी सीट को आप 60-40 स्प्लिट में फोल्ड कर सकते हैं इसके बूट स्पेस को बढ़ाने के लिए। तो मेरे को तो ये कार अच्छी लगी, अच्छा अपग्रेड किया है इसमें कंपनी वालों ने। तो आपको मैं एक बार बूट स्पेस इसकी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका रियर कैमरा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, यहाँ से आप इसके बूट को अनलॉक कर सकते हैं कीलेसली अगर आप करना चाहे तो। 318 लीटर की बूट स्पेस इसमें आपको मिलेगी, और साइड में थोड़ा कभी स्पेस आपको मिल जाएगा ताकि आप थोड़ा सा और सामान इसमें रख सकें। और यहाँ पे इसकी लाइट है जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपको हुक मिल जाएगा कुछ सामान टांगने के लिए, और इसकी सीट फ्लैट फोल्ड हो जाएगी। तो इतना ही था मेरे अल्फा वेरिएंट के ओवरव्यू के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो डिटेल में देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा अपनी लास्ट वीडियो का, जिसमें मैंने डिटेल में कवर किया इस गाड़ी के बारे में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे ट्यून, पीस।